देव मंदिरों में विराजमान भगवान मंदिरों से बाहर निकलकर नगर भ्रमण के साथ जल विहार हेतु स्थानीय झरना तालाब पर पहुंचे। विमानों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। नगर के लगभग एक दर्जन से अधिक मंदिरों में विराजे भगवान डोल ग्यारस की मौके पर मंदिर से बाहर निकल जल विहार हेतु विमान पर सवार होकर निकले। वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार लगभग सभी विमान नगर के नझाई बाजार में इकट्ठा हुए। वहां बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा द्वारा सभी विमानों की सामूहिक भव्य आरती की गई। पश्चात विमान पर सवार देव भगवान झरना तालाब पर जल विहार हेतु पहुंचे। जल विहार की वापसी पर कई दशकों की परंपरा को कायम रखते हुए पांडे मिष्ठान भंडार के परिजनों सहित संचालक उदय पांडे द्वारा विमान का स्वागत सत्कार बेहद अनूठे अंदाज में किया गया। स्वागत करते हुए उदय पांडे ने बताया कि गिरवरधारी जू महाराज की असीम कृपा और संत राधा मोहनदास की प्रेरणा से नगर के सभी मंदिरों के विमान का स्वागत उनकी पीढ़ी करती चली आ रही है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए मंदिरों के विमान पर विराजे देव भगवान का पूजन अर्चन महाआरती प्रसादी वितरण किया गया। हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी में पांडे परिवार द्वारा देव विमान को 56 भोग प्रसादी अर्पण कर उनकी दक्षिणा विदाई की गई। मौजूद सभी को स्वल्पाहार कराया गया। पांडे परिवार द्वारा देव विमान के स्वागत और भव्य महाआरती की सराहना पूरे नगर में की जा रही है। विमानों का स्वागत जो है वो तो हमारे पीढ़ियों से चला रहा है, पुरखों की परंपरा है, उसका हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। गुरु महाराज जो है उन्हीं बिहारी मंदिर के जो महंत हैं श्री राधा मोहनदास जी, उनकी विशेष कृपा से ये सारी व्यवस्था है। कब से ये प्रथा चली आ रही है? अब तो हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग नानी मतलब प्रणानी थी हम लोग जो वो बताती थी 200 वर्ष से तो उन लोगों ने देखा पहले दिन चले आ। किस तरीके से स्वागत किया गया 56 वक्त नहीं तो ये जो मारों बैठकर देव मूर्ति जाती है तालाब पर वो वहाँ अपने स्नान करने के उपरांत वापस लौट के आती हैं तो उनका चंदन वंदन जो धोया जाता है उस हम लोग चंदन वंदन पूजा करते हैं। ये हुआ सम्मान हुए क्या कर सकते हैं हम लोग सम्मान उससे ये है कि उनका देव श्रृंगार श्रृंगार हो जाता है और जो साथ में जाने वाले ब्रह्म देवता है वो हमारे पास बैठ के थोड़ा रेस्ट लेते हैं।